शांति के पैगाम के साथ समन तौर हाजिर है। ये ज़मीन अपनी ज़मीन है, यहाँ रहने वाले सारे लोग अपने लोग हैं। बाज़ झूठ इतनी दफ़ा दोहराए जाते हैं कि वो सच मालूम देते हैं। ऐसा ही एक झूठ तकसीम हिंद का है। इस झूठ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सन 1947 में कोई तकसीम हिंद नहीं हुआ, कोई पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं हुआ। मैं इस बात को समझाता हूँ। किसी भी बड़े जुग्राफियाई खित्ते में रहने वाले लोगों को बाहर के लोग किसी और तरह से जानते हैं, जबकि वहाँ रहने वाले लोग खुद अपने आप को किसी लिसानी ताल्लुक, किसी जुग्राफियाई ताल्लुक या किसी और ताल्लुक से मुमताज करते हैं। तो यही हाल हमारे इलाके जनूबी एशिया का भी था। यानी यहाँ से बाहर रहने वाले लोग इस इलाके के लोगों को हिंदी कहते थे, इंडियन कहते थे। लेकिन अगर आप यहाँ रहने वालों से पूछें कि आप क्या हिंदी हैं, तो वो कहते कि नहीं, हम मराठी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम सिंधी हैं। तो उनकी पहचान जो है वो नहीं थी जो कि बाहर लोग वाले लोगों के हिसाब से थी। अंग्रेज़ ने इस इलाके पे रफ्ता रफ्ता कब्ज़ा किया। अंग्रेज़ ने जब इस इलाके पे कब्ज़ा किया तो ये पूरा इलाका छोटी छोटी राजधानियों और रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ ने इस इलाके पे कब्ज़ा करके एक बड़ा मुल्क कायम किया और पहली बार तारीख में इस तरह की एक मुत्तहदा रियासत इस पूरे खित्ते के अंदर कायम। सन 47 में जब अंग्रेज़ ने ये इलाका छोड़ा तो बहुत सी छोटी छोटी रियासतों के साथ दो बड़े ममालिक कायम हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत या हिंद। कोई भी चीज़ अपने बनने से पहले कैसे टूट सकती है? तो ये कैसे कहा जा सकता है कि मौजूदा हिंदुस्तान बना तो 15 अगस्त 1947 को था, मगर इसकी तकसीम 14 अगस्त 1947 को हो गई? इसलिए तकसीम हिंद की इस्तेलाह बिल्कुल गलत है। ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि सन 47 में बरतानवी हिंद नामी एक मुल्क ख़त्म हुआ और कई रियासतों के अलावा दो बड़े ममालिक बने और इन ममालिक के दरमियान दो जुग्राफियाई खित्तों की तकसीम हुई, एक बंगाल की और दूसरे पंजाब की। और बंगाल की तकसीम सन 47 से पहले हो चुकी थी। गोया सन 47 में जो तकसीम हुई उसे तकसीम पंजाब कहना ज़्यादा मुनासिब है, तकसीम हिंद कहना मुनासिब नहीं है। और आखिर में कोई भी शख्स जो रोज़ अनकरीब आने वाली अपनी मौत के बारे में सोचता है, किसी भी दूसरे शख्स से नफरत नहीं कर सकता। एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आप भी ऐसे ही सोचिए। ज़िंदगी रही तो अगले शो के ज़रिए आपसे फिर मुलाकात होगी।